हाय गाइस, वेलकम बैक विद चेस्टा कुक्स। आज मैं बनाने लगी हूँ लैम्ब। ये मैंने बोनलेस लैम्ब लिया है, 1 किलो के करीब मैंने लैम्ब लिया है। इसके लिए जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने इधर रखी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक बड़ा टमाटो लिया है, इससे मैंने रफली चॉप काटा है, जूलियन साइज की। ये मैंने लिया है गार्लिक जिंजर, मैंने लिया है फ्रेश लिया है। आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हैं। ग्रीन चिलीज एंड 3 अनियन मैंने लिए, बड़े मीडियम साइज के अनियन है। इसके लिए मैंने लिए थोड़ा सा, मैंने लिया है करी पत्ते और ये कसूरी मेथी, जीरा, ये करी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करने लगूं। मैंने योगर्ट लिया है, 2 स्पून मैंने योगर्ट लिया है, फ्लैक चिलीज, टर्मरिक पाउडर, सिनेमन मैं ऐड करूंगी बिकॉज मैं लाइक करती हूँ इसका फ्लेवर, मैं ऐड करती हूँ। तो अगर आपने स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। ऑयल की ज़रूरत है तो मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो सा भी ऑयल है आपने वो डालना है। ओके, लेट्स शो यू गाइस मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ। ये इसमें मैं ऑयल डालने लगी हूँ, आपने जितना चाहिए अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल डाला है, अब इसमें मैं साथ में अनियन डाल देती हूँ जो मैंने रफली चॉप की है, 3 अनियन वो मैं ऐड करने लगी हूँ। ये अब मैंने अनियन इसमें डाल दिए, इसे अब थोड़ी देर के लिए जब ये हीट अप हो जाएगा फिर मैं अदर स्पाइसेस अपने ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इसमें अब मैं ये करी पत्ते ऐड करने लगी, थोड़े से थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करने लगी, थोड़ा सा जीरा ऐड करने लगी हूँ। अगर आपने कोई चीज़ भी स्किप करनी है तो आपकी चॉइस, यू आर योर ओन बॉस। तो ये मैं ऐड करने लगी बिकॉज आई लाइक फ्लेवर, मेरे घर में ये पसंद की जाती चीज़ें, इसलिए मैं ऑलवेज ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। तो अब इनको थोड़ी देर के लिए मसाले में भूनते हैं, थोड़ा सा प्याजों का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब मैंने जो फ्रेश जिंजर गार्लिक लिया है, मैंने रफली चॉप किए हुए लिए, मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी। मैं यूजली ये जो मीट वगैरह बनाती हूँ इसमें ऐसे डालती हूँ, जूलियन की जिंजर और ये रफली चॉप किया गार्लिक मैं ऐसे डालती हूँ। तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये मैंने जो टमाटो रखा काट के वो और ग्रीन चिलीज में ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बड़ी एक चिली ली है, ज्यादा स्पाइसेस नहीं होती, ये जस्ट फॉर इसकी डेकोरेट के लिए। तो ये ऐड कर रही हूँ और 3 चिलीज ऐड कर रही हूँ। साथ में ये स्पाइसेस जो मैंने रखे हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, करी पाउडर, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया, टर्मरिक, चिली फ्लेक्स, ये मैं सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, मिक्स वेरी वेल। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि वो मसाले जले ना। अब थोड़ी देर में मसालों को अच्छी तरह से भूनते हैं, फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी लैम। ये साथ में मैं योगर्ट ऐड कर देती हूँ, जो मैंने 2 स्पून के करीब मैंने योगर्ट लिया है। ये जिंजर जो मैंने काट के ऐसे फ्रेश डाला ना, ये मुझे ऐसे अच्छा लगता है।
ये इसलिए मैंने ऐसे ग्रीन साइज में काटे हैं। ग्रीन चिली ज़्यादा तो मैं पूरी इस्तेमाल करती, पूरी डाल देती हूँ, ऑलवेज मैं फुल डालती हूँ। इट लुक्स सो यम्मी, सो डिलीशियस, इसकी स्मेल अमेजिंग, अरोमा सो अमेजिंग। ये मैंने अब लैम्ब को ऐड कर दिए, ये बोनलेस लैम है, 1 इंची के करीब है। ये अब इसे अच्छी तरह से मसालों में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इसे बस मिक्स करते हैं, रेडिश कलर जो इसका है वो ख़त्म करना है। इसमें थोड़ी देर में पानी डाल देंगे, इसे गलने के लिए रख देंगे, फिर पानी डाल के फिर जब ये गल जाएगा फिर इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, जब इसे लिड लगा देंगे, कवर कर देंगे, तो इसकी स्टीम के साथ इसका पानी खुद ही रिलीज हो जाएगा, तो उसी में ही गल जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी ऐड करना। ये मैंने इतना सा पानी ऐड किया इसमें, अब इसको मैं लिड लगा दूंगी, फिर इसके बाद इसका जो पानी स्टीम का होगा उसी में ये गलता जाएगा, खुद ही बनेगा, और इसमें पानी जो योगर्ट मैंने डाला है उसका भी पानी रिलीज हो जाएगा, ये जो मीट है उसमें पानी छोड़ देना है, और स्टीम की वजह से ये गल जाएगा और इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। चेक गाइस, ये देखिए सो यम्मी, सो टेस्टी। अब इसे टाइम लगना है गलने में, और इसे अभी और थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे विद लाइट, फिर इसे बाद में भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर दिखाऊंगी आपको। फिर अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं लिड को। ये देखिए गाइस, अब ये पानी इसका नेली ख़त्म होने वाला है, ये अब भूनने की स्टेज पे है, अब इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। उतनी देर में मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला इसे ऐड करके फिर अच्छी तरह से अभी इसे भूनते हैं, जब तक इसका वो ऑयल है ना वो रिलीज ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। लुक गाइस, सच सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रोमा, लुक सो, इट लुक सो डिलीशियस। लुक गाइस, अभी इसने ऑयल छोड़ दिया है, ये नेरी भून चुकी है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, योर चॉइस, अगर आपने ऐड करना है यू कैन मोर ऐड। ये गाइस बनके तैयार हो गई है, लेट्स चेक इसका फाइनल लुक। ये है, ये मैंने ऊपर गार्निश किया है ग्रीन कोरिएंडर फ्रेश मैंने डाला है, और थोड़े से मैंने जूलियन कट किए हुए जिंजर के मैंने पीसेस डाले हैं। सो लेट्स ट्राई गाइस, ये देखिए गाइस, वाओ यम्मी। Super. Let's test with roti. Amazing. Yum. Thank you for watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखना। God bless you. Bye.